चलो इधर इधर सब ध्यान देंगे इधर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, क्या होता है बच्चों लोग, और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स भी होता है, क्या होता है करो करो। मेरे को क्या बोल रही है, आप पंखाओं का चालू कर सकते हैं ना? नहीं 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 ठीक है, देख भाई अगर मैं इधर सुन लो, अगर मैं हल्का सा फड़फड़ाने लगा मतलब समझ जाना मेरे को पंखा चाहिए, ठीक, और नहीं दोगे, नहीं दोगे तो कैश फ्लो करना पूरा फ्लो हो जाएगा। चलो इधर इधर देखो ध्यान दो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, साथ में टूल्स भी होता है, ठीक है, और ये यूजर को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा है, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च करना पड़ गया और जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ ये भी हमारे सिलेबस में है और वो आप पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट कौन सा एसेट, इसका नाम क्या हो गया अभी, हाँ कभी बैलेंस शीट में दिखेगा ना, घबराना नहीं, ठीक, क्या क्या आएगा इसमें, लेकर फिर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, हाँ इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो जो नहीं लिखा वो लिखते जाना मेरे साथ साथ में, लेट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा आपका यहाँ पर, करेंट एसेट, करेंट एसेट में आपका आएगा स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्रूड, कैश, बैंक, अब यहाँ पर आएगा आपका शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपका क्या जाएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर क्या आएगा आपका डिबेंचर आएगा, और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म, फिर क्या आएगा आपका करेंट लायबिलिटी में क्या लिखूं, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर, फिर क्या जाएगा आपका बिल पेबल, फिर क्या आएगा बच्चे लोग आउटस्टैंडिंग और अनर्न और अदर करेंट लायबिलिटी भी ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये आपका 60% की पॉइंट है जो आपको कैश फ्लो बनाने में हेल्प करेगा। इसके बाद 10% और की पॉइंट देने वाला हूँ, तो टोटल मिला के 70% की पॉइंट आपका आज ही खत्म हो जाएगा और उसी कंसेप्ट में आपको दौड़ना है, ठीक। तो बच्चे लोग यहाँ पर 60% की पॉइंट है आपका बैलेंस शीट, क्या बच्चे लोग, जिसमें ये आपका कवर हो जाएगा, कहाँ पर कवर होगा बेटा जी, ये आपका पूरा का पूरा कवर होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कहाँ कवर होता है ये आपका, और ये वाला पूरा का पूरा कहाँ कवर हो जाएगा बच्चा, देख लो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ध्यान रखना, कहाँ से ले रहा हूँ बेटा, करेंट एबिलिटी को भी लिया हूँ क्या, करेंट एबिलिटी को भी लिया हूँ बेटा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, होमवर्क लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों आता है, और कोई दूसरी जगह जा सकता है, कहाँ जा सकता है, क्यों जा सकता है, कैसे जा सकता है, पूरा पोस्टमार्टम करके लाना है आप लोगों को।
बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्यों है या कहीं और जा सकते हैं, तो क्या रीजन है? ठीक, और ये पूरा का पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? कुछ नहीं बोला भाई, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये वाला आएगा बेटा जी, ऑपरेटिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मेरा जो की पॉइंट है, ये जो मेरा की पॉइंट है, इसको कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंटीग्रेट करके नहीं देखना। ये की पॉइंट को कैश फ्लो के साथ इंटीग्रेट करके देखना। किसके साथ करके देखना? तो ये की पॉइंट किसके लिए बना है? कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका कोई वास्ता भी नहीं है, नहीं है। मतलब किस की पॉइंट का वास्ता किसके साथ है? कैश फ्लो। ये ध्यान रखना, और ये आपको मैं याद दिलाते रहूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाते हम लोग? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के आपको याद दिलाते हैं। ठीक, चले आगे। चलो, अभी अगर आपने लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ये अगर आपने परचेज किया है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। अगर इनमें से कोई भी सेल किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो, पैसा आया इनफ्लो। और ये वाला जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आपका कवर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और पैसा आया तो इनफ्लो, और रिडम्पशन या रिपेमेंट किए तो आउटफ्लो। क्लियर हो गया सबको? ऑपरेटिंग अपन बाद में देखेंगे, कैसे लिंक होता है वो अपन बाद में देखेंगे। और कैश और बैंक, ये आपका कवर होता है, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होता है। लिखना है भाई तेरे को, बनाने के लिए बैठा है यहाँ पे, तू क्या टाइम पास करने आए थे? ए भाई, वो नहीं करना है, वो मैं देख लिया हूँ। वो तुम्हारा जो घर जाके करने वाला है, तुम रूटीन का पढ़ाई नहीं करते हो और घर जाके लिखेंगे। ए भाई, अगर मैं सुन लो अभी, इधर इंटर में कोशिश वो ना करो, मैं जो आपको क्लियर बोलती हूँ, जो मैं बोला है वो ब्रह्मास्त्र है। आपको करना है मतलब करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। कोई भी अपना दिमाग चला के ये नहीं बोलेगा कि सर फोटो खींच के जाएगा, अभी नहीं, जब बोलूंगा तब फोटो खींचना है, अदरवाइज नहीं खींचना है। ठीक, तो ये हमारा 60% की पॉइंट था। आप 10% की पॉइंट लिख लो नीचे में नोट, 10% की पॉइंट। अभी बहुत सारी चीज अब मेरे को इस साल से लिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, आप लिखोगे। और दूसरा सुन लो इधर, आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाओ, एक अलग से सेपरेट कॉपी सिर्फ की पॉइंट का, जो आपको एग्जाम टाइम में ऐसा फटाफट पलटे और निकले। ठीक, चलो, अब होने वाला है इंटीग्रेशन। क्या होने वाला है? अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, अब आप लोग को बताना है कि किस एक्टिविटी में आएगा। ठीक, इंटरेस्ट मिला, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, और इनफ्लो की आउटफ्लो मेरे को बताएगी आकांक्षा। इंटरेस्ट मिला, हाँ, किसी डिबेंचर वगैरह में या बॉन्ड में या कहीं पे भी इन्वेस्ट किए होंगे, एफडी वगैरह किए होंगे, तो वहां पे क्या मिल रहा है अपने को? इंटरेस्ट मिला, तो क्या हो गया हमारा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। वेरी गुड। रेंट मिला, नहीं तेरे को कोई बोलना नहीं, लुबना कह रहे, हाँ साहिल, हाँ इस सब आज क्यों, हाँ किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए होंगे तो अपने को वहां पर रेंट मिल रहा है। ठीक, वेरी गुड, सब आज बढ़िया। तो किसी क्या बोला? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रेंट का पेमेंट किया, ऑपरेटिंग में इनफ्लो आउटफ्लो, काय को
पीएनएल में आ रहा है। अच्छा डायरेक्ट मेथड में बनाएंगे तब कि इनडायरेक्ट मेथड बनाएंगे तब? ये क्या ठीक है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दो मेथड है, पहला कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सबको पता नहीं पता है? ठीक है, अभी हम लोग कौन से मेथड में सॉल्व करेंगे? पहले डायरेक्ट मेथड और आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ये दो मेथड में आपका सॉल्व होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। किसके लिए होता है वो? मतलब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चाहे कोई सा भी मेथड हो उसमें सॉल्व करने का टेक्निक सेम है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एप्लीकेबल है किसके लिए? वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। लेकिन यहाँ पर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कर हेडिंग डालेंगे तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपको हेडिंग डालना है। तो हम लोग पहले सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जनरली एग्जाम में मैक्सिमम चांस रहता है इनडायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट भी अच्छे से सीख लेंगे, बहुत ही ईजी है डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो रेंट का पेमेंट किया, अगर इनडायरेक्ट मेथड है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग का पैसा गया गया तो सही था। ठीक, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आगे क्लियर होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे लास्ट में करेंगे तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है अगर आप सिस्टमेटिक चल रहे, और मैं आपको सिस्टमेटिकली लेके जाने वाला हूँ। ठीक, नेक्स्ट आप लोग को बताना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इनफ्लो आउटफ्लो है। हाँ, आउटफ्लो जाएगा तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्या हो जाएगा आपका? आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ठीक, नेक्स्ट डिविडेंड मिला। हाँ, प्रोड्यूस आई शाबाश, वेरी गुड। लेकिन तो पीछे क्यों बैठ गए एकदम अलग से? सामने जगह है, इधर आ जाओ, ये देख भक्ति के बाद बैठ, बढ़िया, भक्ति से दोस्ती कर ले और शक्ति आ जाएगा तेरे में। ठीक अरे भक्ति के साथ बैठेगी ना तो क्या करना, वो होमवर्क करेगी ना, वो अपना कॉपी चेक कराएगी, उसी को तुम भी चेक करा देना। क्या जी अभी बेटा देखो, बीच बीच में मैं तो उतरूंगा, ठीक है, तुमको पहले बोल रहा हूँ पे तो उतरूंगा। ठीक है, ठीक, चलो आ जाओ इधर इधर, ऐसा मत आने देना ना, तांडव पति चुनाव आने देने क्यों, मेरे लिए भी अच्छा है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट मिला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कब आएगा त्रिवेणी? जी कहाँ जाएगा वो? इन्वेस्टिंग में आएगा। हाँ सर, लेकिन आप अभी क्वेश्चन क्या पूछे सर कि इंटरेस्ट मिला तो फाइनेंसिंग में कब आएगा, आप ऐसा पूछे। हाँ साइस्ता बता रही है, ध्यान से सुनो। नॉन सेल डिबेंचर इशू के तो इंटरेस्ट देंगे अभी, लगा नहीं। हाँ बस वही कर लो तुम लोग, नहीं रुको। हाँ अरे वाह, ताली बजाओ अच्छे के लिए, लेट जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन, कई बार जब हम लोग को शेयर होल्डर शेयर का पैसा टाइम से नहीं देता है, हम लोग क्या लेते हैं उससे? कौन सी एक्टिविटी में आता है तो जो इंटरेस्ट मिला कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ मालूम हो गया, और पूछ रहा हूँ बार बार। हाँ बिना देखे बोलना है, आपके में छपा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेस किया हर्ष, इन्वेस्टमेंट परचेस किया जी, आउट सर आउटफ्लो है तो पता है कौन सी एक्टिविटी में? नहीं परचेस किया ना जो भी है सर यार। ए पापा, अरे भाई नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले, तू टेंशन लेगा तो और नहीं समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट आपका पे रहे यहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है, ये कहाँ से लिंक है? तो इन्वेस्टमेंट अगर सेल किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लियर है,
अगर नहीं आ रहे तो टेंशन लेके नहीं बैठना, बिल्कुल सबसे पहला सी इंटर की रिक्वायरमेंट है, बिना टेंशन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो क्लास के बाद मेरे पास और बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो पहला ये डायग्राम बना कि इन्वेस्टमेंट आता कहाँ पे, कैसे कैसे जो भी कहाँ पे आते हैं, आप सेल के तो पैसा रह गया, इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग परचेस किया, इसमें इसमें हाँ ऐसा पूरा बोलना है। ठीक, नेक्स्ट गुडविल परचेस किया, हाँ ऐसा ऐसे नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आउटफ्लो। ठीक है, अबे गुडविल कम हो गया, 50,000 का था 45,000 हो गया, हाँ वो ऑपरेटिंग का पार्ट कवर होता है। ठीक है, वेरी गुड, हाँ नॉन कैश। तो जब भी अगर इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा है मतलब आपने राइट ऑफ किया, क्या कि आपने बढ़ रहा है मतलब आपने परचेस किया, परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आउटफ्लो, हाँ ये आपको जनरली ध्यान रखना है। ठीक, सबको क्लियर हो गई ये, किसी को कोई डाउट? तो अब हम लोग बच्चा लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, कल एक बार फिर से आपका रिविजन होगा इसी का सेम चीज का, और जिसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा वो स्टार्टिंग में आके मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक, चलो अब ये हम लोग आते हैं बेटा जी, पहला करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। पहला क्या करेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उठा जल्दी बोला कि आज फुर्सत है, चलो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर व्हीकल इन्वेस्टमेंट गुडविल पैटेंट कॉपीराइट कहाँ था आपका? तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं डेप्रिशिएबल एसेट का कैसे होगा, कैसे उसका वर्किंग नोट बनेगा, और ये आपके क्वेश्चन में फ्यूचर्स आता है, इसको अच्छे से अपने को सीखना है। ठीक, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर देखें तो ये मेन डेप्रिशिएबल एसेट का उसी का ही थोड़ा सा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, तो पहले उसी को सीख लेते हैं। तो पहले ये बताओ डेप्रिसिएशन अपन जब प्रोवाइड करते हैं तो उसका दो कौन सा बताया था आपको टेक्निक, डायरेक्ट मेथड और अच्छा डायरेक्ट मेथड और अच्छा ये बताओ बेटा जी डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते बच्चे लोग, हाँ ये आपको ये ब्रह्मास्त्र याद रखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ऐसे फिर क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, या फिर बोथ आर सेम। ठीक है, और क्या करेंगे बच्चे लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू, मतलब दोनों मेथड में अल्टीमेटली क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा आपका पीएनएल में। ठीक, किसी को कोई डाउट, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सेल कैसे करते हैं, मे बी हाँ प्रॉफिट में या फिर लॉस में। ठीक है, तो अभी दोनों में अपन प्रॉफिट या लॉस में सेल करेंगे तो अपने में क्या एंट्री होगी, ये हम सीख चुके हैं कहां पर, सेफ फाउंडेशन में। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट में सेल करेंगे तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एसेट हो जाएगा यहाँ पर, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, समय साथ साथ लिखते जाओ। अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटे जी, मेरे पास ऑप्शन नहीं, लिखवाना पड़ेगा तो उनको टाइम में बचाना है, तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो क्या होगा जहां पर बोलूंगा कि स्टॉप राइटिंग वहां पर सिर्फ मेरा सुनना है, आंसर खुश हो गए, अब ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं।
फाउंडेशन तो और आसान हो गया, सीपीटी होने वाला मस्त मिलने तो बढ़िया हो गया, एमसीक्यू बेस्ट रहेगा मस्त, धन 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 खत्म, डेढ़ महीने में खत्म। हाँ लेकिन लेकिन अकाउंट आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो फिरकी लेता है, फिरकी लेता है, बट वो मैं धीरे धीरे बच्चों को करवा करवा के टेस्ट लेके उसमें ग्रिप बन जाते हैं। तुम लोग का है कहाँ पे भाई, अब जो आएंगे उनके लिए। हाँ हाँ वो स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन मेरे को जो लगता है एमसीक्यू पैटर्न में ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं अकाउंट्स में। अब वो मेरे को टेक्निक पता है, पढ़ा हुआ 3-4 साल ना, तो अब आदत भी हो गई है। हाँ यहाँ फॉर्मेट में मार्क करता भी है, सही बोल रही है। ठीक, तो इंटर में ध्यान रखना है बेटा अपने को, प्रेजेंटेशन ना, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ये एकदम स्टार्टिंग से। अभी यहाँ पर अपन अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऐसे, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर बेटा लोग टू एसेट टू सॉरी हाँ लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा फिनल। नहीं लाइन से लिखते हैं पी एफ डी और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक सब लिख लिया तक, अब इसको पहले समझ लो उसके बाद, ठीक। लिख लो अच्छे से पूरा पैकअप कर लो, अब यहाँ पर सिर्फ समझना है लिखना नहीं है, लिख ले मत डर और रोक दीजिए। जब मैं बताऊंगा ना तो लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ, ठीक। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं था और सीबीएसई में है भी नहीं, डायरेक्ट मेथड का सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन काम का था, जनरली वो थ्योरी में आता है, एमसीक्यू अगर थिंकिंग पे आता है वो थ्योरेटिकल में पटका भी है पहले, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है। पढ़ने तो स्लो लिख रहे हैं या लेट से लिखना चालू किया था, अच्छा ठीक है। हाँ चलो इधर ध्यान दो, यहाँ पर बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जितना एसेट सेल करने से आपको पैसा मिला, ठीक है। एसेट अकाउंट में वो आएगा जितना एसेट की वैल्यू बची हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 5 लाख का एसेट लिया था और 3 साल में 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितने का बचा, तो यहाँ पर एसेट में कितना आएगा आपका 3 लाख, और पेनल में कितना आएगा अगर आपने यहाँ पर 4 लाख में सेल किया कितने में, तो 1 लाख रुपए आपका पेनल में आएगा। क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट, हमारे पास एसेट ओरिजिनल कितने का था 5 लाख, कितने साल यूज किए, कितने की वैल्यू बची 3 लाख, 2 साल तक 3 साल तक यूज किए, हाँ 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, बचा कितने का 3 लाख, तो यहाँ पर कितना आएगा एसेट में 3 लाख, कितने की वैल्यू आपके बुक्स में दिख रही है उतने से खत्म करेंगे। अब आपको पैसा यहाँ पर कितना मिल रहा है, आप सेल कितने में कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, अच्छा कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, तो प्रॉफिट में कितना जाएगा आपका 1 लाख। क्लियर है सबको, ठीक है। अब अगर मान लो ये 3 लाख का एसेट अपन कितने में सेल कर रहे हैं 2 लाख, तो यहाँ बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 2 लाख, पेनल में कितना जाएगा 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पर 3 लाख आएगा। क्लियर हो गया, जितने का एसेट है जितने की बची हुई एसेट है उतने से अपन क्या करेंगे खत्म करेंगे, भले कम में बिके ज्यादा में बिके, आप जितने का एसेट है जितने का वैल्यू बचा हुआ उतने से खत्म करेंगे। अच्छा
यहां पर क्या करेंगे बच्चों लोग, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला। अभी सेम क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ग्रॉस ब्लॉक बोलेंगे इसको, ग्रॉस ब्लॉक जितने का परचेज करके लाया उसको बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। तो 5 लाख का अपन ने क्या किया था, परचेज, ठीक है। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उसमें, 2 लाख 3 साल का, ठीक है। कितने का बच गया वो, 3 लाख का बचा हमारे पास, ठीक है, बुक वैल्यू, ठीक है। अब इसको सेल हम लोगों ने कितने में किया, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री में कैसे अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट में कितना आएगा बेटा, अगर प्रॉफिट है तो 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लड़की गई, अच्छा डैश कितने का था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एसेट कितने से खत्म करेंगे, हाँ यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग मोबाइल, चल ठीक है, बट जनरली मोबाइल सामने अलाउ नहीं रहेगा, ठीक। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, स्टार्टिंग से हैबिट ले आते हैं, जैसे ही क्लास ओवर सीधा सब अपने घर, मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं दिखना चाहिए और ना ही यहाँ पे टाइम पास कहीं पे भी आसपास गार्डन वार्डन कहीं नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अभी देखो कुछ बच्चे गार्डन में इधर उधर देखते हैं मेरे को, और क्या होता है फालतू का कुछ नहीं होता है वो, फिर बाहर निकल के ना कई बार बच्चों में देखता हूँ झगड़ा चालू होता है, वो क्लास के अंदर रहते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं, मैं ऐसा किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल हो रहा है, रूटीन में देख रहा हूँ, वो फालतू पता नहीं कौन कौन सी बात उठा लेते हैं और उसके बाद चालू रहते हैं। कल परसों की बात है, कुछ बच्चों में पता नहीं है मैं क्या बोलूँ उनको, पेरेंट्स लोग को, अच्छा मजे की बात और क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बच्चे लोग बोलते हैं ठीक है बैठे यहीं बैठ के पढ़ लें, वो घर में बोलते हैं कि अमित सर बोले यहीं बैठ के पढ़ना है तो हम वहीं पढ़ रहे, अब रात को 10 बजे पहुँच रहे, पेरेंट का फोन आता है, भैया वो हमारा बच्चा, मैं बोला हाँ यहाँ पढ़ता तो है लेकिन बोले 10 बजे तक कैसे नहीं है, बोला 8 बजे बंद हो गया हम लोग, तो बच्चा 10 बजे तक घर नहीं पहुँचा है। तो भैया ये सब ना मैं डिसिप्लिन ला रहा हूँ, एकदम कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी आप घर में जाके पढ़ो, ज्यादा है तो लाइब्रेरी लगा दो, जिसका अगर घर में पढ़े नहीं होता, सबसे बेस्ट एग्जांपल लास्ट टाइम कुछ बच्चे लाइब्रेरी किए थे, रियल बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़े होंगे उनके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिए और निकल भी जाएंगे, ठीक। तो अगर आप लाइब्रेरी ले लो वो ज्यादा बेटर है, होता क्या है आप फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे देखता हूँ कई बार पढ़ने के लिए बोलता हूँ, वो यहाँ बैठ के बहुत सारा टाइम पास ज्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, तो वो इंटर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं ओवरऑल सभी के लिए लगा दिया हूँ, क्योंकि हर क्लास में यही हो रहा है कि वो पढ़ने के नाम से अरेंजमेंट में बैठा बोलता है और घूम रहा है, तो ऐसे में मेरा नाम खराब हो रहा है मार्केट में, पेरेंट आके मेरे को बोलते हैं कि सर ये हो क्या रहा है, फिर आप यहाँ पढ़ने अलाउ क्यों कर रहे हैं, आप सीधा घर भेजो हम देखेंगे फिर, नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल रहे थे, तो भैया तुम्हें तो फंसने वाली बात हो गई, और सही है कल के दिन अगर मैं बोल रहा हूँ बैठ के पढ़ो तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो और पेरेंट का फोन आता है बोलता हूँ हाँ यही पढ़ रहे हैं और भाई साहब घूम रहे, तो ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, अभी कंटिन्यू हो गया केस, एक लड़की रात को 10 बजे घर पहुंची, अब वो मैं भी हिल गया भैया किधर है वो, ठीक है। तो पता चला वो दोस्त क्या पढ़ रही है, वो पढ़ रही है वो ठीक है कहने के लिए बहाना है, वो सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ रही है, ठीक है चलो इधर जा दो, पर मैं तो अपने घर में पढ़ते इधर जा दो, ठीक। तो ये एकदम मेरा रूल है, क्लास ओवर होते साथ बिल्कुल सीधा घर, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पे 15-20 मिनट आधा एक घंटा आप वहाँ पे टाइम बर्बाद करें, ठीक। तो अगर मैं चमका दूंगा रोड में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं टाइट हूँ, ये सब जो रूल बोल दिया उसमें मैं टाइट हूँ, यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, सीधा घर जाओ खाओ पियो सो और तुरंत उठा के होमवर्क कंप्लीट करो, और जिसका टेस्ट है जिस वीक में जिसका टेस्ट है चुपचाप उसकी स्टडी तैयार कर चालू कर दो। कभी कभार अगर आपका कोई पेंडिंग मैटर रह जा रहा है तो भी आपको क्या करना है, रूटीन को सेम रखना है, पहले आपको रूटीन का होमवर्क करना है। अब वो बच्चा क्या करता है, पुराना पेंडिंग है पहले उसको उठाएगा बाद में रूटीन का टेस्ट, बेटा तो रूटीन भी खराब कर रहा है, पुराना तो खराब कर दिया रूटीन को भी खराब कर रहा है, तो पहले रूटीन का टेस्ट को कभी भी रूटीन का होमवर्क और रूटीन का टेस्ट पहला प्रायोरिटी, उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस टाइम बच रहा है तो पुराने को आपको निपटाते रहो, हमेशा ये शेड्यूल आपको मेंटेन करके चलना है, बट कोशिश ये करना है पुराना पेंडिंग नहीं रखना है सीए में, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो आ जाओ इधर, यहाँ पर एसेट कितना आएगा बच्चों लोग, जितने का एसेट था उतने से क्या करेंगे अपन, खत्म। पेनल में कितना आएगा, 1 लाख आएगा पक्का,
डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ, हम लोगों ने कितने में सेल किया? 2 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 लाख। क्लियर है क्या आपको? ठीक है। पीएफडी में कितना आएगा? 2 लाख। पीएनएल में कितना आएगा? और एसेट और लॉस कितना आ जाएगा? 1 मिनट, 2 लाख हो गया। बैंक में कितना है? 2 लाख। और पीएनएल कितना हो जाएगा आपका? अरे सॉरी सॉरी, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये इधर लिखना छोड़ के इधर लिख दिया। ए लो, पेनल डेबिट होता है तो ये डेबिट साइड आ गया और एसेट आपका 5 लाख रुपए क्रेडिट। माफ कर दिया, थैंक यू। ठीक, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डेबिट क्रेडिट हाँ इक्वल। तो आप इसकी पोस्टिंग कर लोगे आप लोग? ठीक है। अब एक बार फिर से भी मैं लेजर अकाउंट बना के बता रहा हूँ और उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, जब आप मशीन अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? मशीन या एसेट अकाउंट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? ये एसेट अकाउंट बना रहे, इधर क्या आएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस आएगा। इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया, क्या किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैंक आ जाएगा, जितना पैसा हमारे पास आया। और अगर लॉस में सेल किया तो पेनल आ जाएगा, और प्रॉफिट में किया तो पेनल आ जाएगा। ये प्रॉफिट है और ये क्या है आपका? लॉस। अच्छा, करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया करंट ईयर में, तो एंट्री क्या पास किया था मैं? तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा बेटा? ये यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो जनरली आपका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, कौन सा फिगर रहेगा? वो आएगा आपका डेबिट साइड। हो सकता है कभी ना भी आए, आपने जिस साल एसेट परचेस नहीं किया तो क्यों आएगा? जबरदस्ती आएगा, जिस साल परचेस किया उसी साल आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू बैंक। तो अगर आपने परचेस किया है तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आउटफ्लो। अभी नहीं लिखना, अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर टू बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर। मैं गलत जगह कर दिया, ये यहाँ पर क्या जाएगा आपका? टू बैंक आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर आता है जनरली, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि आपने ड्यूरिंग द ईयर इतने का एसेट परचेस किया होगा। परचेस किया, परचेस करोगे? कर लिए, कर लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है, एसेट परचेस हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या करना पड़ेगा आपको? आउटफ्लो। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। कई बार परचेस का अगर आपको दिया है तो कई बार जनरली आपका ये निकल आता है डेप्रिसिएशन, तो वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये जो सेल वैल्यू है, ये जो सेल वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? इनफ्लो, क्योंकि एसेट क्या हुआ है? वो सेल। सेल किधर आता है? पैसा आया तो एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट के क्रेडिट में क्या आ गया आपका? बाय बैंक। क्लियर है सबको? तो एसेट सेल हुआ तो पैसा आया, आया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। अभी इधर क्या हुआ बच्चे लोग? बच्चे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, किसी को कोई डाउट? अभी चलें क्या आगे? यहाँ पर क्या बनेगा? एसेट। और यहाँ पर क्या बनाओ बेटे जी? पी एफ डी। और क्या करेंगे अपन? पी एफ डी, ठीक। आप जब भी मैं इनडायरेक्ट मेथड में एसेट और पी एफ डी का लेजर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा आपका? ओपनिंग आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और लिंकेज कराऊंगा। पहले क्या करते हैं हम लोग? वर्किंग। फिर क्या करते हैं? एंट्री। फिर क्या करते हैं? क्या बात, याद है क्या? 12th का याद बोल रहे हो? अभी कराया था, अभी का याद है क्या? नहीं, फिर वेरी गुड, नहीं बोलते थे। अभी क्या हो गया यहाँ पर? बाई बैलेंस। पीएफडी किधर आएगा? ओपनिंग बैलेंस। पीएफडी क्या होता है? क्रेडिट। कैसे पता सर? ये देखो ना सर, ये देखो, आप पीएफडी को क्या करते हैं? उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। आईसेट को क्या करते हैं जब खरीदते? तो एंट्री क्या पास करते हैं? तो एसेट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है।
अब यहां पर अगर आपने एसेट सेल किए तो यहां पर क्या करने वाले हो? बाय बैंक जितने में सेल किए, और क्या आने वाला है यहाँ पर? बाय पीएल, बाय पीएनएल आ जाएगा। हाँ, और क्या आ जाएगा? बाय पीएफडी आ जो जाएगा। अच्छा, कौन सा पीएफडी आएगा इसमें? हाँ, जितना उस एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखे अभी तक का, जितना लड़की के लिए दहेज इकट्ठा करके रखे, तो पीएफडी में उस पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाला है? और आपका परचेज यहाँ पर क्या आएगा? आपका परचेज आ जाएगा। ठीक, और पीएफडी के डेबिट में क्या आएगा? तो वैसे आएगा पक्का सर। दहेज का लिंक किसके साथ होता है? लड़की के साथ। दहेज और मशीन एसेट क्या होता है? लड़की। ठीक है, अभी इधर खुश हो गए, लड़की एसेट होती मतलब खुश हो गए। ठीक, तो अभी इधर कौन सा बैलेंस आएगा बेटा जी? क्लोजिंग बैलेंस। और क्या आएगा इधर? आएगा क्या? कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा आपका? करेंट ईयर का। तो चाहे आप यहाँ पे पेनल लिख के ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिखो या डेप्रिसिएशन लिख के पेनल लिखो, एक ही मतलब है, क्योंकि अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पेनल में। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन में आपको करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया रहता है। ठीक, सबको क्लियर हो गया पूरा स्ट्रक्चर? अच्छा, एसेट सेल किए तो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। परचेस किए तो ठीक है, अभी बाकी का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ क्या देखते हैं अपन? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। हाँ, ये जो क्रेडिट साइड है वो प्लस ही हो रहा है, डेबिट साइड माइनस ही, मतलब इनफ्लो ही है इधर तो। ठीक है, वैसा रटना नहीं है लेकिन समझना है कि हो क्या रहे। ठीक है, तो आप लोगों को एक काम करता हूँ, बेसिक्स ले चलता हूँ, क्लास 12th में चलते अपन। क्लास 12th का क्वेश्चन देखा देखा लगेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगी। ठीक, तो तुम नहीं लोग को देखा लगेगा, देखा नहीं, तुम्हारे समय का सेम क्वेश्चन है, चेंज नहीं किया है? नहीं किया, कर लोगे? कोशिश तो करो। फॉर्मेट में नहीं बनाना है बिल्कुल भी। देखा हाँ, कोई बात नहीं, कल से ले आना, आज अलाउ कर दे रहा हूँ, अभी बना लो, बिना स्केल पेंसिल के बना लो, लेकिन कल से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर चालू होगा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गलत होता है गलत पढ़ा। अच्छा, टेंशन में दिख रही है हल्का सा, क्या हुआ? कान के नीचे लगा दी कितना? नहीं टेंशन में क्यों आज लग रहा था? अच्छा, रखो ऊपर में ठीक लगता था क्या? ऊपर ही करें हम कल से? ठीक नहीं। अरे तो डकिंग भी ना, नहीं नहीं भाई, यही भाई, देवाशीष तुम लोग उधर अंदर क्यों घुस गए भाई? इधर बैठ जाओ बाहर। हाँ, तेरा भी कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या दिक्कत
भाई सबको सबका साथ सबका विकास पता है तेरे को। ए भाई आप लोग एक चीज फिर ध्यान रखना, पास कराने का राइट आप लोग के पास नहीं है, ठीक है, फ्लो कराने का राइट है, इसको ध्यान रखना। एक 25 आउटफ्लो नहीं आवा थे, कैसे कर बैठ रही है। चलो देखो इधर, पहले देख लो आपने मशीन अकाउंट में यहाँ पर 8,60,000 लिखा है आपने ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 9,50,000। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। हाँ ये 950 आ गया आपका क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मतलब करंट ईयर का क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो एसेट अकाउंट के बाय डेप्रिसिएशन, तो ये बाय डेप्रिसिएशन आ गया 40,000, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000 व्हिच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू 20,000, तो अपन ने 20,000 का कितने में बेचा? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बेटा? 25। टू मशीन कितना हो जाएगा? 20। और टू पेनल कितना हो जाएगा? 5,000। इसके पोस्टिंग कर लोगे, मशीन क्या हुआ है? क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट के बाई बैंक कितना आ जाएगा? और डेबिट में क्या जाएगा? टू पेनल कितने से? 5,000। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 25। तो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? 25,000 इनफ्लो और 1,50,000 रुपए, तो ये 25,000 में जो बिका क्या हो गया आपका? इनफ्लो। और ये जो आपने 1,50,000 का परचेस किया है आपके पास से पैसा चला गया, पैसा चला गया तो आउटफ्लो विद इन अ ब्रैकेट दिखाना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक। धीरे से हैबिट में आ भी जाएगा। चलो ये सेकंड क्वेश्चन फटाफट सोल्व करके देंगे आप लोग, ये गंदा लगता है कभी तो। क्या रे तू क्यों हंस रही है? आज जैसे इसको देखो ना, ब्लैक ब्लैक ज्यादा पंख है। तू गलत क्यों दबा रही? सिंपल क्वेश्चन दिया, टेंशन मत ले, अभी तो पिक्चर बाकी है। देखो भाई टेक ऑफ उस समय होगा जब भी टेक ऑफ कब होगा? जब सीए के मॉड्यूल में आएंगे, अभी रनवे में नहीं। ये ऑन रहेगा, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, नहीं दिखा पहला वाला। देखो जिसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा होगा बोलना, मैं बना के बताऊंगा, ठीक, बैठे नहीं रहना। शिवरदान तो दिक्कत,
रहे, नहीं नहीं समझ में आया आके पूछ लेना ना, बैठना नहीं आके पूछना। वरदान नहीं समझ में आएगा पूछते जाना मेरे से, ठीक है यहीं आ जाना, नहीं बता दूंगा, बैठे नहीं रहना लेकिन। एवरीबॉडी आ गया? हाँ चलो एक बार, हाँ पहले पहला पहले आंसर चेक कर लो फिर डाउट बता रहा हूं मैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना गया आपका? 60,000 इनफ्लो, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? किसका नहीं है? देखो जिसका नहीं है वो हैंड रेस करना, नहीं है 60,000। हाँ चलो मशीन वाला पहले बता रहा हूँ उसके बाद दूसरा बताऊंगा ना। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जा रहा है कौन सा मेथड है डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? किसी को डाउट है क्या? अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया इसका मतलब क्या होगा? चलो इनडायरेक्ट मेथड इज श्योर, ठीक है? और क्वेश्चन को देख के आपको कई बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कई बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में बोलता है वो डायरेक्ट मेथड भी होता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि अभी तक का उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट मेथड हो चार्ज कर दिए मतलब कर दिए, ठीक समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? मशीन में यहाँ पर क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है कि बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को एकदम बी केयरफुल, इसको ओपनिंग है इसको क्लोजिंग में दिखानी खतर पहले स्टार्टिंग में खतर, इसलिए उसका नाम क्या है सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट, क्या नाम है? ठीक है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 400,000 रुपए, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 420,000 आएगा। देखो किसी को कहीं पे डाउट है पूछ सकता है, सर क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा, ठीक है बट पूछना पड़ेगा, ठीक। ये पीएफडी का ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बेटा लोग? 110,000, 1,00,000। अच्छा अब यहाँ पर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000, पहले क्या करेंगे हम लोग वर्किंग, पहले क्या करेंगे वर्किंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन सेल कंसिडरेशन, क्या लिखेंगे? ठीक है और आपको ऊपर हेडिंग डालना पड़ेगा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या हेडिंग डालना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है। सेल कंसिडरेशन आपने कितने में सेल किया? 20,000 में, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एसेट था कितने का? 40,000, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000, तो कितने का बचा? 16,000 का मशीन कितने में बेचे? तो 4,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया क्या? तो अभी क्या पास करने वाले? तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो मशीन टू प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, लॉस हुआ है तो पेनल डेबिट। अच्छा बैंक में कितना आएगा बेटा? 20,000 आएगा, वेरी गुड। पीएफडी कितना है हमारे पास? अच्छा मशीन कितने का गया? टोटल कॉस्ट कितने का? 40। इनडायरेक्ट मेथड है तो ग्रॉस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? ग्रॉस ब्लॉक बोलो ओरिजिनल कॉस्ट बोलो बोथ आर सेम, ठीक। तो ये आपका 40,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट, उस पर्टिकुलर मशीन का ग्रॉस ब्लॉक अपन ने खत्म कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर मशीन क्या हुआ है? क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट के हाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और क्या लिखेंगे? बाय पीएफडी लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे बच्चे लोग? अच्छा बैंक में कितना आएगा? 20,000 और यहाँ पर 24,000 और यहाँ पर 4,000 आएगा। मशीन के सामने कितना है? डेबिट है क्रेडिट है? तो अल्टीमेटली 40,000 से क्रेडिट होना चाहिए, तो 44 - 4 कितना हो गया? 40 क्रेडिट हो गया अल्टीमेटली, ठीक। यहाँ पर क्या लिखने वाले अपन? टू बैंक, अच्छा तो बैंक अकाउंट कितना जाएगा? 60,000 आएगा। बैलेंसिंग फिगर
ओके बेटा, तो ये यहाँ पर 20,000 आ जाएगा आपका सेल ऑफ मशीन, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन हाउ मच 20,000, तो ये 20,000 इनफ्लो, अच्छा ये 60,000 क्या हो जाएगा आउटफ्लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको आप लोग कंप्लीट कैसे करोगे, देखो इधर ये सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट है, अभी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं आएगा पीएफडी, लेकिन आपको वर्किंग आना चाहिए फुल फ्लैश क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो करंट पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ क्या, नहीं, अच्छा दैज पता है क्या, हाँ टू मशीन कितना जाएगा यहाँ पर 24,000, तो अब ये क्या जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में जाएगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर पैटेंट की बात अगर कर रहे तो पैटेंट लेजर बना के भी कर सकते हो और सिंपल तरीके से लेजर बनाओ, कई लोग बोलते सर लेजर से बनाओ, कई लोग लेजर से बना लेते हैं। पैटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 2,80,000 दिया हुआ है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बेटा 1,60,000, सबको दिख रहा है ऊपर करूं, चलो अबे हम लोगों ने करंट ईयर में कितना रिटर्न ऑफ किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ एमोर्टाइज लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एमोर्टाइज कर दो, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो डेप्रिसिएशन की जगह भी आप पेनल लिख सकते हो, अल्टीमेटली लास्ट में कहा जाता है वो पेनल में, ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट भी सेम चीज करता है, कभी डेप्रिसिएशन कभी पेनल, ठीक, तो अपन डायरेक्ट पेनल कर देंगे, ओके सबको समझ में आ रहा है पेनल क्यों लिख रहे हैं, समझाऊं, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कहाँ, तो अपन लास्ट वाला इफेक्ट देना सीधा, ठीक। आप यहाँ पर पेटेंट में आगे क्या बोलते हैं, सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक वर्किंग करना पड़ेगा, मेरे पास ओपनिंग में कितने का पेटेंट था 2,80,000 का पेटेंट था, मैंने करेंट ईयर में कितने का पेटेंट राइट ऑफ किया, तो मेरे पास कितने का पेटेंट होना चाहिए, सर मेरे पास ना क्लोजिंग में 2,40,000 का पेटेंट होना चाहिए सर, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग में है कितना, तो बाकी कहाँ गया सर, तो सम ऑफ द पेटेंट क्या कर दिया हम लोगों ने इसे, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, तो 2,40,000 माइनस 80,000 के कॉस्टिंग का पैटर्न कितने में सेल किए, कितना रुपड़ा मिला हमको, 1,00,000 मिला क्या, 1,00,000 में सेल किए, आया क्या समझ में, कर सकते हैं लेकिन एक लॉजिक भी तो लोगों को क्लियर करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आना चाहिए जी, ठीक। तो यहाँ पर बाई बैंक कितना लिखोगे आप, 1,00,000, हाँ, और हाँ तो पेनल कितना जाएगा आपका 20,000, सबको पिक्चर क्लियर हुआ, क्या चला क्लियर हुआ, एक बार फिर से हमारे पास पेटेंट था कितने का, में से कितने का राइट ऑफ कर चुके, 40,000 का राइट ऑफ कर दिए, तो कितने का होना चाहिए, लेकिन है कितने का, बाकी कहाँ गया, बाकी जो बचा हो उतने की कॉस्टिंग का सेल कर दिए, कितने के प्रॉफिट में, तो उसको ऐड कर देना प्रॉफिट को, तो फाइनली क्या जाएगा आपका 1,00,000, किसी को कोई डाउट, पूरा क्लियर, अच्छा अब यहाँ पर पेटेंट बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा है क्या, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं सर, तो आपने सेल किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपका पेटेंट का इनफ्लो, ठीक। तो अब ये था आपका, अब इसके अलावा होमवर्क दे रहा हूँ, और अभी ना बेसिक, अच्छा होमवर्क नहीं देना, सॉरी सॉरी गलती हुई,